दोस्तों देखो, मुरादनगर के स्टेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ अभी RRTF के पे, और ट्रैक के ऊपर सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी चल भी रहा है। बहुत तेजी के साथ में काम चल रहा है यहाँ पर और बहुत जल्दी बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है दोहाई RRTF का स्टेशन, पीछे आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ से दो लाइन जा रही है दोस्तों, लेफ्ट वाली है दोस्तों, ये जा रही है दोहाई डिपो के अंदर, यानी कि रैपिड रेल का घर है दोस्तों, और राइट वाली जा रही है सीधी दोस्तों मेरठ के लिए, मुरादनगर मोदीनगर मेरठ होते हुए ये कुल मेरठ के एंड में जाके पहुँच जाएगी दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कुछ ही दिनों में। अब ये जो राइट वाला हिस्सा देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ से अब ये स्टार्ट हो जाएगी मेरठ तक दोस्तों, यहाँ से चलाई जानी है मेरठ तक चलेगी भाई साहब। अब कुछ दिनों में ही इसका मुहूर्त होने वाला है, और जब मुहूर्त होगा तब आप लोगों को मैं बढ़िया से करके दिखाऊंगा। देख सकते हो ये आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल, ये वाला, ये हमारे NCR का गोल चक्कर है दोस्तों, दिल्ली NCR का। और आप लोगों को बता दूं, अभी जो RRTF है दोस्तों वो यहाँ तक अभी चालू है, और यहाँ से देखो ये वाली, ये अब कुछ दिनों में चलाई जानी है। तो इसी का आप लोगों को आज मैं अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों मेरठ तक का, कि इस बीच में कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है, और कितना कुछ कंप्लीट होने के लिए बचा हुआ है। तो वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली मेरठ RRTF कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है दोस्तों, एक फेज़ तो इसका स्टार्ट हो चुका है, जो कि आम जनता के लिए खोल दिया गया है। कुछ ही दिनों बाद पहले खोला गया था दोस्तों, अब ये दूसरा रूट अब खोला जाएगा, जो कि मेरठ के बाईपास तक दोस्तों ये जाने वाला है। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप लोगों को मुरादनगर मोदीनगर और एंड में मेरठ साउथ का RRTF का स्टेशन दिखाएंगे चल के। तो चलने से पहले दोस्तों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो ना देर करते हुए दिखाते हैं चल के आप सभी को, तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर दोस्तों। चलते हैं और देख सकते हो यहाँ के नज़ारे, देख लो आप लोग कि यहाँ से अब दो भागों में बट जाती है। ये जो राइट वाला पोजीशन है, ये वाला, इसमें तो अभी ऑपरेशनल है RRTF, लेकिन ये राइट वाले पोजीशन पे अब ये स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों के बाद में दोस्तों। तो इलेक्शन से पहले ही इस रूट को खोल दिया जाएगा, काम बिल्कुल कंप्लीट सही हो गया है, थोड़ा बहुत ही बचा। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों। और इसी ईस्टर्न पेरिफेरल के ऊपर देखो दोस्तों, स्टील का ये ब्रिज बनाया गया है RRTF का, ये देख सकते हो आप लोग, कुछ ये नज़ारा है यहाँ का। अब चलते हैं दिखाते हैं चल के मुरादनगर चल के आप सभी को दोस्तों। यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया गया है दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल का चढ़ने उतरने के लिए। ये देखो ये साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ से अगर लेफ्ट जाते हैं तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा दादरी के लिए पलवल के लिए इधर चले जाएंगे दोस्तों। ये इंटरचेंज बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग।
जगह पर ये आपातकालीन एग्जिट पॉइंट देखो दिए हुए हैं इसी जगह। तो आप सभी को बता दूं, देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है, मशीनें ये लगी हुई हैं मुरादनगर से पहले। ये देखो ब्लैक टॉप किया जा रहा है रोड को, बिल्कुल ये एनसीआरटीसी ने अब रोड भी बना के दे दिया। पहले तो ये इसकी कॉरिडोर की वजह से ये सारी सड़क टूट गई थी, तो अब ये चौड़ी भी हो गई है दोस्तों। देखो ये बनाया जा रहा है रूफ टॉप, जो कि बनके कंप्लीट हो गया है। देखो आप लोग तस्वीर देखो तो कैसा बनाया जा रहा है रूफ टॉप, और इस पर अभी पेंट भी किया जा रहा है दोस्तों। और जो इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो भी जोड़ दिए जा चुके हैं, जो पिछली बार नहीं जुड़े थे। देखो उधर का भी सीढ़ियाँ भी बना दी, और एक्सीलेटर भी लगाए जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखो ये पानी को, जो ऊपर का पानी आएगा वो इनमें जाएगा इसके अंदर दोस्तों, ये देखो। और ये बनाए जा रहे हैं, देखो एक्सीलेटर भी लगाए जा रहे हैं उधर साइड में, देखो एक्सीलेटर लगा दिए हैं। और ये और इसकी सीढ़ियाँ भी बनाई जा रही हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट की, ये है मुरादनगर आरआरटीएस का स्टेशन दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, कुछ ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर। और इधर भी देखो बनाया जा रहा है, जो बरसात का पानी है दोस्तों वो इन्हीं के अंदर जाएगा, क्योंकि अभी ये ढक दिए जाएंगे और फिर इस पर अभी मिट्टी डालकर और इसमें प्लांटेशन भी कर दी जाएगी। देखो ये है कि कैसे बनाए जा रहे हैं, तो काफ़ी गहरे गहरे हैं। और उधर देखो वो सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं दोस्तों, देख सकते हो। तो यही काम चल रहा है मुरादनगर आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों। और दूसरा देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों, ये बनाया जा रहा है इस साइड में, देख सकते हो, जो कि अभी सेटिंग लगी हुई है इसकी, सीढ़ियाँ बना दी जा चुकी हैं दोस्तों। अब इसमें एक्सीलेटर भी लगाया जाएगा। देखो एक साइड में तो डेंट पेंट हो चुका है, उधर भी उसमें एक्सीलेटर भी लग गए हैं। तो यही काम चल रहा है मुरादनगर आरआरटीएस के स्टेशन पर। अंदर पार्किंग भी दी जाएगी दोस्तों, तो अभी काफ़ी काम चल रहा है। काफ़ी दिनों के बाद में आप सभी को ये अपडेट देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों केपी संत के चैनल पर। देखो आप लोग अभी तो इसमें बाउंड्री सब बनाई जाएंगी, तो अभी यही वर्क चल रहा है। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर ये स्टेशन को बनाया गया है मुरादनगर आरआरटीएस का दोस्तों। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट दोनों हैं, देखो ये रहे, रूफ टॉप का काम तो हो चुका है इसमें, एक्सीलेटर भी लग चुके हैं। ये देखो आप लोग, कुछ ऐसा बनाया गया है मुरादनगर आरआरटीएस का स्टेशन मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आप लोग, तो इस पर रूफ टॉप का सारा काम हो चुका है, ये बीच बीच के बचे हुए हैं, इनमें वाइट वाले वो लगाई जाएगी। रूफ टॉप जो होते हैं वो बार बार बाइट वाले लगाए जाएंगे। तो यही काम है, देख सकते हो आप लोग। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देखो आप लोग नज़ारे यहाँ के मुरादनगर आरआरटीएस, तो काफ़ी तेज़ी के साथ में यहाँ पर काम चल रहा है, और बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर अभी जल्दी ही ये पार्ट ओपन कर दिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो कितनी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। पिछली बार जब मैं आया था तब यहाँ पर कुछ नहीं बना था, ये बस इसका फाउंडेशन ही बना था, और आज आया हूँ देखो बिल्कुल क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो हम मुरादनगर आरआरटीएस के स्टेशन पर आ चुके हैं, और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू, ऊपर तक का चलते हैं, क्या क्या काम किया जा रहा है अभी। देखो अभी तो यही बना है एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिस पर अभी सेटिंग लगी हुई है, उतारी गई है, फ्लोर वर्क हुआ था। और जो इसका कौन कौन सा एरिया है, देखो यहाँ पर ये पत्थर लगाने का काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पे। ये देखो पत्थर लगा दिया जा चुका है, एक्सीलेटर भी लगा दिए इन्होंने, अभी ये वायरिंग भी काम किया जा रहा है। देखो आप लोग,
ये काम चल रहा है, ये देखो देखो ये कौन कौन से एरिया है, अभी काम चल ही रहा है। और चलते हैं ऊपर प्लेटफॉर्म पे। ये एक्सीलेटर लग चुका है इधर ऊपर, देखते हैं प्लेटफॉर्म लेवल पे कि क्या वर्क चल रहा है। अभी तो इस पर घिसाई भी होगी, इन पे घिसाई होगी ना, अभी अभी घिसाई चलेगी। इधर भी अभी पत्थर लगना बाकी है। और देखो ये स्क्रीन डोर लगा दिए गए हैं, ये देखो आप लोग चार में। ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म एरिया इधर का, ये देख सकते हैं कुछ ऐसा है। ये देखो ये डिजाइन बनाया जा रहा है अभी, रूफटॉप का तो काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है, देख सकते हो। ये देखो ये सीट लगाने का काम चल रहा है, देखो इस तरीके से ये सीटें पड़ी हुई हैं। ये काय की हैं, ये जाली है ये, तो यही काम चल रहा है अभी दोस्तों। अब चलते हैं ट्रैक पे और ट्रैक पे आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों ये है मुरादनगर RRTS स्टेशन, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, कुछ ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर। तो अभी ये इसमें आप ये बताओ अभी कितना टाइम लगेगा ऐसे चालू होने में यहाँ तक? ये 4 से 5 महीने में चालू हो जाएगा, तेल दो बार हो चुका है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये क्या क्या काम किया जा रहा है स्टेशन पे? स्टेशन पे बूम लाइट का काम चल रहा है, ऊपर सीटिंग का काम चल रहा है। अच्छा, फसाद का काम चल रहा है, डिजाइनिंग हो रही है सीट कवर। अच्छा, ये डिजाइनिंग हो रही है और इसके ऊपर भी अभी वो लगेगा रूफ टॉप जो फाइबर सीट लगती है। अच्छा, वाइट वाली? अच्छा, बाकी उसके बाद में फिर वो भी तो लगेंगे, सूर्य प्लेट क्या बोलते हैं ना वो, तो अपनी इनकी यहाँ क्या क्या लगाए ना लगाए, लेकिन तो प्रॉपर करंट रहता है ना यहाँ तो। हाँ, और लेकिन ये है कि जो सूर्य प्लेट लगाते हैं उससे पूरा कवर स्टेशन हो जाता है। बाकी ये कहाँ तक क्लियर हो चुका है तुम्हारा? ये क्लियर हो चुका है, अब कोई काम नहीं बचा है, बस जो बचा है स्टेशन का ही बचा हुआ है। बाकी ट्रेन कंप्लीट है, इस पर दो बार ट्रेल भी हो चुकी है ट्रेन की। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है, काम बहुत तेजी चल रहा, बहुत तेजी के साथ में काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। और आम जनता के लिए खुशखबरी आने वाली है कि हमारे दुहाई से लेकर और मेरठ के साउथ तक ये जल्दी ऑपरेशन कर दिया जाएगा। और बीच में देखो ये रेलिंग भी लगा रहे हैं, ये देखो ये रेलिंग लगी हुई है बीच में, तो यही काम चल रहा है अभी। देखो टीम हमारी अभी खाना खा रही है, लंच कर रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग। और ट्रैक पे अभी काम चल रहा है तेजी के साथ में, तो जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अभी ये लंच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ मुरादनगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, देखो ट्रैक पे अभी खड़ा हुआ हूँ और ये हमारे टीम के बंदे हैं और ये आप सभी को बताएंगे कि अभी क्या क्या काम बाकी बचा हुआ है मुरादनगर RRTS के स्टेशन पर। तो बताओ अभी क्या क्या काम इस पर चल रहा है और कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? लगभग 3 से 4 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेन भी हो चुकी है 2-3 बार यहाँ पर ट्रेन भी। ये बार थोड़ा सीटिंग का काम रह रहा है इधर पीछे, अभी सीटिंग का काम चल रहा है, देखो पीछे दिखाना, सीटिंग का काम रह रहा है, सीटिंग का काम बचा हुआ है, काम चल रहा है, बूम लाइट का काम चल रहा है हमारा, रेलिंग अलाइनमेंट का काम चल रहा है इधर, ये रेलिंग अलाइनमेंट का काम चल रहा है इसका। ये 3 से 4 महीने में ट्रेन चालू हो जाएगी इधर, स्टेशन हमारा चालू हो जाएंगे यहाँ से लगाकर मोदी नगर तक। और बाकी तो ये काम कंप्लीट ही हो गया है, 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर इस पर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों, दुहाई से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक। तो बाकी आप लोग देख सकते हो कि सारा ट्रैक बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही थोड़ा बहुत ही काम बचा है, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। You